Hello friends, welcome back to your own channel Infinity Mariner, which provides you practical knowledge on board. I know it's been so long I haven't made any videos. It is because of this pandemic situation. I know everyone's profession is affected due to this lockdown, and similarly our profession are also affected because of this lockdown, and we were in a long sailing and not in the network range. So today I have came to the Anchorage area for 5 to 6 days, and I'll try to be consistent and make the educational videos for you and provide your practical knowledge on board. But today's video is not about any educational purpose or something. It's some of the moments we enjoyed while we were in sailing, like some of the games we played, the swimming, and what all enjoyments we do on board. So stay tuned and watch the video till end and enjoy the video, and please do give the comment below for suggestion of the next video. और यहाँ हमारे मैच की शुरुआत शेरो शायरी के साथ. नाकाम क्या हुए, कुछ अपनों ने रास्ते बदल लिए. मैं पत्थरों से टकरा कर यहाँ तक आया हूँ. ऊंचाइयों से ऐसा प्यार हुआ दोस्तों, मैं रमन चैल जीत के हार का पैगाम लाया हूँ. वाह 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 क्या बात है. और इसी दमदार प्रोत्साहन वाली शायरी के साथ सारे प्लेयर्स जोरों शोरों के साथ यहाँ पे शिप पे क्रिकेट खेलने इकट्ठा हुए हैं, और यहाँ सारे प्लेयर्स पूरी जोरों के साथ पहली गेंद खेलते हुए और विकेट कीपर भी जोश में गेंद को रोकते हुए. क्या कहना है वीरेंद्र यादव मेरे साथ आज कमेंट्री करने बैठे हैं. यह वैसे नेचर के थोड़े जॉली आदमी हैं. क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये किसी को नसीब नहीं होता है. ऐसा किसी को नसीब नहीं होता, किसी भी ऐसे सिप पे मैच खेलना है किसी को नसीब नहीं होता. लेकिन ये आज अभी टॉस हो रहा है और ये मैच की शुरुआत हो चुकी है, और इंजन और डेक का जो मैच है आज बहुत लगता है, बहुत रोमांचक मैच होने वाला है. आप लोगों के बीच में देखिए, सब लोग ये देखिए, कितना कुदरती मैच देखिए. ये गेंद को और ये गेंद को उठा कर खेलना चाहो सीधे फील्डर के हाथ में, और ये बॉलर चले लंबे कदमों द्वारा और गेंद को उठा के मारना चाहो, और ये गेंद बहुत अच्छी बॉल. आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं इसके लिए. यहाँ पे हमारा दूसरा प्लेयर आता हुआ, और यहाँ हरभजन पूरी जोश में बताना चाह रहे हैं, मतलब उत्सुकता इनकी इतनी ज्यादा है कि ये बताना चाह रहे हैं कि अगली गेंद पे मैं इनको बोल्ड करके ही मारूंगा. पर ओ शिट, ये कामयाब नहीं रहे, वाइड हो गई इनकी गेंद. पर ये थोड़ा गर्मा गए हैं हमारे प्लेयर हरभजन, कि ये मानना नहीं चाह रहे कि इनकी गेंद वाइड हुई है, और ये लड़ रहे हैं अंपायर से. पर ये अगली गेंद, और ये विकेट कीपर का शानदार प्रदर्शन, और यहाँ पे हमारे हरभजन दौड़ते हुए और वीरेंद्र सहवाग को ये बताते हुए कि किस प्रकार से अगली गेंद खेलनी है, और ये विकेट कीपर ने गेंद रोक ली है. और यहाँ अगली गेंद क्या कहना चाहेंगे वीरेंद्र? ये अच्छी बॉल है, नहीं ये बॉल चली है, और ये देखिए स्ट्रेट मारने की कोशिश किया. जिस तरीके से ये लोग मैच खेल रहे हैं, लगता है कि आज बहुत अच्छा मैच होने वाला है. और ये गेंद, और ये शुरुआत अच्छी हुई, और ये गेंद को उठा के मारने की कोशिश की, और ये आउट होने की चांसेस है, लेकिन कैप्टन का क्या इशारा होता है और कैप्टन आउट करा दिया गया. और ये देखिए सरदार जी कितने खुश हुए, और ये नेक्स्ट बॉल और गेंद को सम्मान दिया अच्छे कदमों द्वारा बॉलिंग की सरदार जी ने. और यहाँ पे अगली गेंद देखी जाएगी, क्या होने वाला है अगली गेंद में. और यहाँ प्रेशर जमता हुआ, और 6 रनों की कोशिश पर सरदार जी नाचते हुए भंगड़ा पाते हुए, और यहाँ सब के सब बहुत ज्यादा खुश है, और यहाँ बॉयर थोड़े निराश दिखते हुए, पर यहाँ पे पूरी जीभ निकाल के नाचते हुए हमारे प्लेयर्स, और इनको खुशी की इन्होंने एक विकेट ले लिया है. और यहाँ अगली गेंद कराते हुए हमारे वीरेंद्र और 32 साहब थोड़ा टेंशन में दिख रहे हैं, नहीं पता किस बात की टेंशन है इनको. लाइट तो चल रही है हमारी जहाज की प्रॉपर, लाइट के यहाँ के जिस तरीके से किया गया बहुत अच्छे अच्छा किया गया, और ये नेक्स्ट गेंद को उठा दिया और सीधे फील्डर के हाथ में, और बॉलर, और ये बॉलर अपने बॉलिंग मार पर, और अच्छी गेंद सम्मान देते हुए बॉलरों को, और देखिए इतनी अच्छी तरीके से, और गेंद को उठाने की कोशिश किया, और ये विकेट, और ये गेंद को लगता है इन लोगों को समझ नहीं आई, और ये अंपायर द्वारा आउट करा दिया गया, और ये नेक्स्ट बैट्समैन आए हैं. ये हमारे बैटमैन अविनाश पूरी पुरजोर कोशिश करते हुए, बट ये प्लेट हमारे बॉलर अभी फॉर्म में है, 3-4 गेंद करवा चुके हैं, इसलिए पूरी
जोश के साथ इसका भी विकेट लेने की पूरी इनकी लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ये, बट यहाँ पे विकेट कीपर ने बॉल रोक ली। और यहाँ पे हरभजन बताना चाह रहे हैं कि प्रॉपर फील्डिंग मेंटेन की जाए और एक भी बाउंड्री नहीं मारने देंगे इनको, पूरी कोशिश यही है कि एक भी बाउंड्री नहीं जाएगी। क्या कहते हैं वीरेंद्र? हाँ, आपकी बात सही है, एक भी गेंद नहीं मारने की कोशिश कर रहे, फील्डिंग जिस तरीके से कर रहे हैं लोग, बहुत हार्ड फील्डिंग कर रहे हैं। और ये आरएसएस का जो बंदा है जिस तरीके से कर रहा है फील्डिंग, हैच मार रहा है जिस तरीके से, उसने अपनी जो है पूरी जितनी भी एनर्जी की ताकत पूरी ताकत लगा फेंक रहा है। और ये देखिए आप उसकी बातों हाथों का इशारा देख सकते हैं किस तरीके से वो फेंक रहा है, हाथों का इशारा देखिए बस, कितनी तेजी से बॉलिंग कर रहा है वो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप आरएसएस का आदमी क्यों बोल रहे हैं इसको। नहीं को उसका कलर देख के इसलिए मालूम चलता है कि आरएसएस का बंदा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। अच्छा अच्छा, ये भगवा कलर पहन के आया था इसलिए। पर यहाँ पे हरभजन सिंह की पुरजोर कोशिश इसकी विकेट लेने की, बट ये ले नहीं पा रहे हैं इसकी विकेट। सारे फील्डर हर जगह पूरी रफ्तार में दौड़ते हुए पूरी कोशिशों के साथ, और यहाँ हरभजन की अगली बॉल पर विकेट नहीं ले पाया। अब यहाँ हमारे बॉलर वीरेंद्र आ चुके हैं और यहाँ पे बत्ती का छक्का, बॉलर यहाँ कप्तान पूछते हुए बॉलर ने क्या किया। और ये पूरी रफ्तार के साथ घूमते हुए हमारे बैट्समैन, और ये घुमा दिया इन्होंने बल्ला, पर बॉलर सब खुश नजर आते हुए इन्होंने इनका विकेट ले लिया है। फाइनली इन्होंने इनको आउट कर दिया। अब नेक्स्ट, ओ शिट, क्या देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे, हमारा बल्ला टूट चुका है वीरेंद्र। अब क्या होगा, बल्ला टूट गया, क्या गेम बंद होगा? गेम बंद नहीं होगा, लेकिन कुछ सुझाव लोग अपना अपना सुझाव दे रहे हैं, कोई बोल रहा है ट्यूब लगा दो, कोई बोल रहा है कुछ लगा दो, लेकिन देखो क्या डिसीजन होता है। और ये चौंकाने वाली बात है, बल्ला को चेंज कर दिया गया है, एक वाइड का 500 बोलना, एक वाइड का 500, क्या बोलता है? अरे पैसा दिखा रहा है, दे रहा है, पेटीएम करेगा, पेटीएम, एक वाइड का। और यहाँ पे बॉलर को घूस खिलाने की कोशिश करते हुए, पर बॉलर साफ मना करते हुए कि नहीं नहीं मैं आखिरी बॉल पे घूस नहीं खाने वाला। आज भी है पानी।
निशाने आ जाओ।